तो आ चुके हैं अपने हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे। एंड अगर आप लोग कुछ स्टेप फॉलो करते हो तो आप लोग अपने सिस्टम में जो है कि अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, वीएस कोड है, उसमें आप लोग सी प्लस प्लस और सी के कोड भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। एंड यहाँ पे जैसे आप लोग वीएस कोड को ओपन करोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कोड रन करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वीएस कोड का इंस्टॉलेशन करने के लिए आप लोग अगर चाहते हो तो उसका वीडियो बना दूंगा, बट आप लोग कैसे करोगे वीएस कोड को इंस्टॉल उसको बारे इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कैसे करोगे। तो अपने आप क्रोम को ओपन करना। अब क्रोम को ओपन करने के बाद जैसे आप लोग अपने क्रोम को ओपन करोगे एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग लिखोगे वीएस कोड डाउनलोड। अब जो भी डाउनलोड कर दो तो कुछ ऐसा करके हम वीएस कोड को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा वीएस कोड को आप विंडोज़ या मैक या कोई भी हो डिवाइस उसमें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब वो उसके बारे में, वीएस कोड में सी एंड सी प्लस प्लस कोड कैसे चलाएं। ठीक है, कैसे करेंगे रन। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर आता है मिंग जी डब्ल्यू। ठीक है, मिंग जी डब्ल्यू डाउनलोड। ठीक है, अब जैसे डाउनलोड करोगे आपका सिस्टम क्या है, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा यहाँ मिंग जी डब्ल्यू को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से डाउनलोड थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। एंड फिर वेट करो। तो सब्सक्राइब हो गया मेरे चैनल को, पहले तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुका है, इसको करेंगे अब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सी में। ठीक है, कोई ना, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। अभी थोड़ा होगा प्रोसेस, थोड़ा होगा प्रोसेस। एंड प्रोसेस होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। एंड तब तक देखो यार, क्या कुछ आइडिया दो, अगर मुझे अगर आपको क्लास चाहिए, प्राइवेट क्लास चाहिए तो आप लोग मुझे आइडिया दो, कुछ आइडिया तो मैं वो भी करूँगा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक, सपोर्ट। एंड तब तक थोड़ा सा प्रोसेस होगा। एंड प्रोसेस होने के बाद अब थोड़ा मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखा लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप लोग ये नीचे से नंबर दो वाला, नंबर तीन वाला एंड डेवलपर टूल वाला, एंड एक मिनट इसको कर दो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, एंड इसको कर दो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। एंड मिंजी इसको फर्स्ट वाले को लो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। एंड देन तुम हम लोगों को करना पड़ेगा मीन ये बेस वाला, एक मिनट रुक जाओ। एंड देन इसको भी कर लेना मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जाना इंस्टॉलेशन जाना एंड इसको कर देना अप्लाई चेंजेस। और यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा इसमें अप्लाई, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो तब तक मैं तुम लोगों को कुछ बता देता हूँ अच्छी चीज़ें। ठीक है, अच्छी चीज़ तुम्हें बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले जब तुम वीएस कोड को अपने ओपन करोगे तो तुम्हारा वीएस कोड कुछ ऐसा दिखेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। न्यू विंडोज़, चलो ओपन करो न्यू विंडो। देखो तुम्हारा जो वीएस कोड रहेगा वो कुछ ऐसा तुम्हें शो करेगा जब तुम वीएस कोड को पहली बार ओपन करोगे। आई नो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वीएस कोड को तुम लोग जब ओपन करोगे तो वीएस कोड तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ये कुछ चीज़ें जो तुम्हारे में नहीं रहेगा। अब तुमसे को कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना, एक्सटेंशन से जाना है, एक्सटेंशन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद तुमको एक कमांड, एक वो रहेगा एक्सटेंशन, तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा वीएस कोड के लिए। तो वो बेसिकली रहेगा रन। अब रन जैसे क्लिक, यहाँ पे लिखो, क्लिक करोगे रन को, यहाँ पे तुमको बताता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे नंबर फोर पे देखो कोड रन है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अभी इसका मेन जो काम है वो बचा है। ठीक है, इसको जो इन्वायरमेंट में सेटअप करना वो रह गया, इसको भी करेंगे पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कट करते हैं, अभी एक कट चाहिए, कट। तो अब काफ़ी समय के बाद लगभग लगभग 8 मिनट तक प्रोसेस चला।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोसेस था दोस्तों। तो अब क्या आपको करना है, आपको सी ड्राइव पे आना है, अपने बाई पीसी या डी सी पी जो भी हो, आपका आपको अपने सी ड्राइव पे आना है। वहाँ पे एक फोल्डर बन चुका होगा जो कि मिन जी डब्ल्यू नाम से होगा, ठीक है। इसको जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे एक बिन नाम का फोल्डर होगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो पाथ है, यहाँ पे क्लिक करके इसको कर लेंगे कॉपी। अब ठीक है, कॉपी करने के बाद, क्या करना है आप लोगों को, जाना है अपने, मैं तुम्हें सबसे आसान बता दूँ। आसान क्या चीज़ है, आसान सबसे आसान जो क्या है वो तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस रहेगा, ठीक है, एडवांस सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अब अगर आप लोग विंडोज 10 कर रहे हो तो ये सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है, इंटरफेस है, ठीक है। अब अगर आप लोग 7 कर रहे हो या 7 विंडोज 7 करते हो तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर जो इंटरफेस है वो तुम्हें डिफरेंस मिलेगा। तो कोई ना, वो आसान है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होता है उसमें तो मैं तुम्हें मैन्युअली बता दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल पर आइए आप लोग, यहाँ पे एक मिनट बताता हूँ लोगों, यहाँ पे एक होगा पाथ नाम, ठीक है। यहाँ पाथ पे जाइए, यहाँ पे फिर पाथ पे क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिए वहाँ पे, फिर एडिट पे क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, और न्यू पे करने के बाद जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर ओके पे कर दीजिए, एंड यहाँ पे जो भी होगा ओके पे आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको अब कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग आइए अपने वीएस कोड में आइए, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई ना। तो एक नया एक्सटेंशन इसने मुझे सजेस्ट किया है जो कि रहेगा, आप लोग सर्च कर लेना यहीं पे जाके, ये C++ एक्सटेंशन पैक, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ गया था जो कि आप पे नहीं आने वाला, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे करोगे, तो आप जैसे इस कोड को करोगे रन, तो यहाँ पे सब ऐसा फाइल वाले बना लेना सब लोग अपना, एंड ये जो कोड आप कॉपी पेस्ट करोगे है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रन करा दिया था और यहाँ पे कर दिया रन, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ इतना था, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ये 100% गारंटी है आपसे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, आप कर सकते हो आराम से। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हेलो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, तो ये ऐसा आप कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।